हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्रॉस लिमिटेड से लेके। अगेन न्यू आईपीओ स्टॉक है, ठीक है, और कल की डेट में इसके आते हुए दिखाई दिए रिजल्ट। तो उससे रिलेटेड जानेंगे क्या यहाँ पर ये कंपनी करती हुई नजर आती है, क्या बिजनेस मॉडल है, वो सब चीज जानते हुए नजर आएंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना और सीखना है। सीखने के लिए वीडियोज है, जाके देखिए, एक एक करके वीडियोज देखेंगे, काफी चीजें आपको समझ में आएगी, काफी मजा आपको आएगा यहाँ पर सीखने में, समझने में। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आप चाहो तो हमारे एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर बहुत बारीकी से चीजें सिखाई जाती है। टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब भागती है, कब गिरती है, क्यों भागती है, क्यों गिरती है, शेयर क्यों, कौन से लेने चाहिए, कौन से बेचना चाहिए, वो आइडिया आपको लगेगा, ठीक है। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स, सब चीज आपको यहाँ पर दिया जाता है। 8868054051, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और यहाँ पर आप चाहो हमारे साथ काम कर बीज कर सकते हो और सीख भी सकते हो। आगे बढ़ते, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस कंपनी की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस लिमिटेड की। क्रॉस लिमिटेड करती क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1991 में ये कंपनी आई थी, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे क्रॉस लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स सप्लाइज ट्रेलर एक्सल सस्पेंशन एंड वाइड रेंज ऑफ फोर्ज एंड प्रीसेस मशीन सेफ्टी एंड पर्टिकुलर पार्ट्स फॉर द मीडियम एंड हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। तो हम बात करें, ये कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड ये कंपनी है, ठीक है, अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और अलग अलग हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए ये काम करती हुई नजर आती है। आप चाहो तो इनके बारे में इनकी वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, इनकी वेबसाइट पर जाके यहाँ पर पढ़ लो, आपको और ज्यादा यहाँ पर आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि कंपनी यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, और यहाँ देखिए 1432 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। जब 1432 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल कैप। जब स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप को, तो स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होती है। जब चीजें भागती है ना, बड़ी अच्छी नजर आती है, 100%, 150%, 200% तक के भी रिटर्न इजिली बनते हैं। जब यहाँ पर गिरती है उसी तरीके से 60%, 70%, 80%, 90% तक के मैंने देखा है कि शेयर क्रैश हो जाते हैं। तो इसलिए सही सोच समझ के यहाँ पर पैसा लगाने हैं ऐसे छोटे शेयरों में, और रिस्क तभी लेना है जब आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके और ज्यादा सीख के समझ के लो के रिस्क तो आपको यहाँ पर चाहिए समझ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट कैप 1432 करोड़ का है, 31 का PE, इंडस्ट्री का PE 34 का है, तो ना तो महंगा है ना सस्ता है। और हमेशा कहता हूँ कि PE के बेस पे काम नहीं करना, ROC ROE के बेस पे काम नहीं करना, बट इन चीजों को देखा जाता है, ठीक है। ROC ROE काफी अच्छी नजर आती है, PE की बात करें तो बिल्कुल भी महंगा नहीं नजर आता। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखनी है, बट ऐसे नहीं देखनी है कि ये चीजें ही होगी तब मैं यहाँ पर लूंगा, तब मैं यहाँ पर बेचूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। थ्योरी अलग चलती है मार्केट में, प्रैक्टिकल चीज अलग चलती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फेस वैल्यू की बात करें तो 5 का यहाँ पर फेस वैल्यू है, डिविडेंड कोई देती नहीं है। 271 का जिस दिन शेयर लिस्ट हुआ था उस दिन यहाँ पर बनाया था, 215 का लो बनाया और उसी के आसपास शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर समझ में आएगा, कल आए थे इसके रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसके रिजल्ट आए तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा 143, 183 और अभी यहाँ पर देखोगे 146, तो ईयरली बेस पे तो जंप है, ठीक है, इनकी सेल्स में। बट यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के जो क्वार्टरली बेस के नंबर है ना, वो कम हो गए। तो क्या होता हुआ नजर आता है, जब भी ये नई कंपनी लिस्ट होती है ना, कंपनी के कम से कम एक दो क्वार्टर के, एक हिस्ट्री होनी चाहिए, एक दो क्वार्टर के नंबर हमेशा देखने चाहिए ताकि हमें एक आइडिया लगे। क्यों? क्योंकि जब भी ये मार्केट में लिस्ट होता है ना, तो कुछ और दिखाते हैं, कुछ सपने ही अलग दिखाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, काफी लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। और कुछ कंपनियां अच्छी भी होती है, ठीक है, जो दिखाती है वो बताती है, वो इस तरीके से काम भी करती है और अच्छा खासा वहां पर पैसा ही बन जाता है, ठीक है। तो ये कंपनी अभी मुझे अगर हम बात करें तो ओवरऑल तो अच्छी खासी दिखाई देती है, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, बट स्टिल नंबर को जिस तरीके से और अच्छा आ सकते थे इस कंपनी के नंबर, वो आते हुए दिखाई नहीं दिए, ठीक है।
बात करते और ऑटो एंसिलरी अभी फोकस में भी है, चीज को भी याद रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ईयरली बेस पे तो ठीक है, बट क्वार्टरली बेस पे दोबारा यहाँ पर बहुत बड़ा गैप यहाँ पर नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली दोनों बेस में यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन की बात करें 11% के मार्जिन आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। मुझे एटलीस्ट एज सच फ्लैट नंबर कहूंगा मैं इसे, ठीक है, और ईयर क्वार्टरली बेस पर तो बहुत ज्यादा गिरावट में कहूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा दूर रहना ही सलाह रहेगी। बात करें और चीजों की तो ईयरली बेस पे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यही चीज दिखा के आईपीओ लाया जाता है कि 160, 160, 184, 297, 489 किस तरीके की हमने यहाँ पर करी, और ये आईपीओ फिर उस तरीके से बढ़ता है, पैसे बनते हैं और फिर उसके बाद प्रमोटर ही बेच के निकल जाते हैं, क्यों क्योंकि उन्हें पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या जंप दिखाई गई है, बट ये जंप क्या सीरियस है या नहीं है वो अब पता चलेगा जब मार्केट में लिस्ट हो गई, ठीक है। अभी नहीं सही से याद तो करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर इन्हें धक्के मार के स्टॉक मार्केट से, ठीक है ना, निकाल दिया जाएगा, यही होता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2, 5, 12, 31 और 45 अच्छा खासा यहाँ पर ईयरली बेस पे प्रदर्शन है, बट इसे यहाँ पर इग्नोर करना है, ठीक है ना। ऐसे इन नंबरों को देख के यहाँ पर हमें एक्साइटेड नहीं होना है, बट इन नंबरों को देख के थोड़ा सा हमें देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ईयरली रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं, साथ में कंपनी की बोरिंग बढ़ती हुई नजर आई है। बोरिंग की वजह से क्या होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 5 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस, 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 11 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। 67% के यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईज की होल्डिंग्स लगभग 7% है, 9% के आसपास जीआईआईज है, पब्लिक की होल्डिंग लगभग 16% के आसपास नजर आती है। 1,21,000 लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर शेयर में, और बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है ना, सारा का सारा यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो ये ओवरऑल बात पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड है। तो नंबर क्या अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे खास नंबर नजर नहीं आए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अब चार्ट क्या कह रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि चार्ट भी तो कुछ कह रहा है ना। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजें सीखनी है, सीखने के लिए वीडियोस है, सीखने के लिए कोर्स है, कोर्स करेंगे तो और ज्यादा बारीकियां बताई जाएगी, क्यों क्या कैसे के जवाब दिए जाएंगे। नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और सीख जानकारी ले सकते हो, कोर्स से लेके हमारे साथ काम भी कर सकते हो। और बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए चीजें नीचे गिरती हुई नजर आ रही है जब से लिस्ट हुआ है, अब क्या यहाँ पर नजर आता है, नंबर ठीक नहीं है, तो शायद यहाँ पर गैप डाउन हो सकता है, और गैप डाउन की वजह से चीजें क्या हो सकती है, नीचे आ सकती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी क्या यहाँ पर नजर आता है, अभी क्या करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अलग ही तरीके से चलती है, तो वहां पर मैं गलत होने के भी चांसेस मेरे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट सही होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें लगातार गिरावट हो रही है, ठीक है, और रिजल्ट कुछ खास नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। और ये अगर 215 रुपए का लेवल इसने तोड़ा, और एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, हाँ 215 रुपए का लेवल तोड़ा, तो याद रखिएगा ये चीजें और नीचे गिरती हुई नजर आएगी, और ये कहाँ पर जाके रुकेगी मुझे भी नहीं पता, शायद 180 पे रुके, है ना, 200 पे रुके, 150 पे जाके रुके, 100 पे जाके रुके, नो बड़ी न्यूज, ठीक है, जैसे पेटीएम कार ट्रेड के साथ हुआ था इनिशियली, वैसा होता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको उस तरीके से देखना है, ठीक है, कंपनी के 1-2 क्वार्टर के नंबरों पर ध्यान देना है, जब 1-2 क्वार्टर के नंबर आ जाए, समझ में आ जाए, तब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और असली तेजी कब शुरू होगी, असली तेजी अब तब शुरू होगी जब ये शेयर 270, 271 का जो इसका हाई था, ठीक है, उसे यहाँ पर निकाल लेगा सक्सेसफुली, तब इसमें एक तेजी होगी, और ये शेयर फिर उस टाइम 400 भी जाएगा और 500 भी जाएगा। क्या अभी जा रहा है? अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आता कि मुझे ये 400 500 जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर देखना है। मेरे कहने पर बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, काम आएगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।